सबको नमस्कार और प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं पूना कह रहे हैं दोस्तों, जो लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाए हैं वो लोग घबराएंगे ना, अपना मेहनत से काम करिए। हम भी दोस्तों यही कर रहे हैं। अभी तो मेरा 2,80,95,000 तक व्यूज गया है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर लिए हैं, 1,000 से ऊपर हैं, लेकिन अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है दोस्तों। इसलिए आप लोग भी लगे रहिए, अभी वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ है इसीलिए, क्योंकि व्यूज तो अच्छा जाता था, लेकिन बीच में मेरा फ़ोन जो था वो ख़राब हो गया था, टूट गया। बच्चे ने उसको निकाल के जा रहे थे कार्टून देखने, तब तक से वो हाथ से छूट के टूट गया। इसलिए कहीं जाना भी था हमें बाहर, तो अब उधर से रिटर्न आएंगे तभी तो फ़ोन लेंगे दूसरा। तो दोस्तों महीने भर लग गया हमको फ़ोन लेने में। जब हम फ़ोन लिए और फिर से चैनल वो किए और चैनल बनाए चलाने लगे, इसके बाद मेरा व्यू जो था वो थोड़ा धीरे धीरे स्लो हो गया, जैसे पहले जैसे वो इतना वो नहीं हो रहा था। तो धीरे धीरे फिर से अपना वही चलाने लगे, सोचे कि क्या करें, अब छोड़ दें कि रहने दें। लेकिन कहें कि जब चैनल बनवा लिए थे, चला लिए थे, यूट्यूब पे काम कर लिए, तो अब करना ही पड़ेगा। तो फिर से मैंने चैनल पे अपना काम किए और इतना भी तो इसमें नहीं जा रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी काम करते हैं उसी में। अपना काम करने के बाद जो टाइम मिलती है वो अपना वीडियो में काम करते हैं और गाना वाना ही सोचते हैं। बड़ा थोड़ा ब्लॉग बना लें, बड़ा ब्लॉग बनाने के लिए तो टाइम ही नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी चलिए आज बना ही लेते हैं। नहीं तो जब चैनल अपना खुलवाए थे जनवरी में, जनवरी और फरवरी तक इतना अच्छा व्यूज गया, इतना अच्छा व्यूज गया दोस्तों। उसी बीच फरवरी में ही मेरा फोन टूट गया, बच्चे ने निकाल रहे थे, टूट गया। इसके बाद मेरा भी इतना अच्छा कुछ नहीं जाता है, लेकिन फिर भी काम करते हैं दोस्तों। आप लोग हैं सपोर्ट करेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर मदद करेंगे मेरी। अब देखते हैं कब तक अभी होता है मोनेटाइज। आप लोग भी जो लोग बना रहे हैं हिम्मत ना हारे, काम करते रहे, क्योंकि ये रूटीन हो जाता है ना, इसके लिए तो काम करना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी करिए, किसी हालत में रहिए, लेकिन पब्लिक को काम अपना दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है। या तो हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, जैसे पहले बनाते थे, जिस टाइम पे बनाते थे वो टाइम नहीं दे पाते हैं, फिर भी लेकिन तो कोशिश करते हैं कि टाइम से ही बन जाए। अगर हम लोग काम, घर का काम हम निपटा लेते हैं, खाली हो जाते हैं, तो इसके बाद सोचते हैं थोड़ा बना ले वीडियो अपना कुछ, लेकिन तो बच्चों को देखना पड़ता है, काम रहता है बहुत सारा दोस्तों। तो कुछ थोड़ा स्वास्थ्य रूप से भी अच्छे नहीं रहते हैं, इसीलिए इसमें भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन चलिए बनाते ही हैं, क्या करें। जब वो यूट्यूब में आ गए तो काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। बहुत से भाई बहन हैं, वो लोग अपना इतना मेहनत, बहुत सारा मेहनत करते हैं इसके लिए, मेहनत करके अपना 15 से 20 दिन में मोनेटाइज कर हो जाता है उन लोगों का चैनल। और बहुत से लोग हैं उनका एक ही महीने में, हफ्ते भर में हो जाता है, लेकिन हम लोग तो सुन के आश्चर्य होते हैं कि कैसे इन लोगों का ऐसे हो जाता है। अच्छी बात है, हो जाता है, लेकिन हम लोग के साथ तो कुछ ऐसा नहीं होता है। फिर भी कोई बात नहीं, किसी का तो भला हो रहा है ना, होना ही चाहिए। और हम लोग भी लगे हैं, पहली बार उन लोगों का, फिर बाद में हम लोग का भी होगा, ये होगा, जब किस्मत साथ देगी तो होगा। दोस्तों हम घर का भी काम अपना करते हैं, काम हम करके फिर अपना एक ब्यूटिशियन भी है, अपना पार्लर का काम भी देखते हैं, अपना चले आते हैं 11 बजे तक पार्लर। फिर पार्लर कभी कभी पार्लर का भी डालेंगे। हालांकि मैंने तो अपना चैनल पार्लर के लिए ही बनाए थे कि अपना पार्लर का डालेंगे, पार्लर का हेयर स्पा, उसका जो काम होगा उसी को डालेंगे,
बीच में कुछ सामानें अच्छी अच्छी आई थी तो मेरा मन कहा कि हम डाल दें वीडियो इसी कपड़े में, तो डाल दिए, उठा के बहुत अच्छा भी गया। तो हम कहें कि सब लोग बोले कि जब आप डाल ही पी रही हैं अपना दुकान का सामान वामान का वो वीडियो, तो अपना भी डालिए थोड़ा। तो अपना भी डालें, तब से ही दोस्तों डालने लगे। लेकिन तो असली कहिए दोस्तों, तो आज हम अपनी सच्चाई आप लोग से बता रहे हैं कि हम वीडियो में नहीं आना चाहते थे, मेरे घर वाले भी नहीं आने देते थे, बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। तो हम कहें नहीं, बस चैनल बना लेंगे, अपना नहीं डालेंगे, वो दुकान का जो सामान उमान है उसका डालेंगे और अपना नहीं बनाएंगे वीडियो। तो कहें ठीक है बना लीजिए। जब बना लिए तो देखें यूट्यूब पे तो बहुत सारी दीदी लोग और चाची लोग सब लोग काम कर रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा अंदर से जागृत हुए हम कि देखिए ये लोग भी तो कितने ढंग से अपना वीडियो बना रही हैं भाई, कुछ कर रही हैं अपना। तो हम बोले कि चलिए अच्छा हम भी हिम्मत जुटाएं कि हम भी बनाएं। लेकिन क्या करें दोस्तों, कैमरा के सामने आके बोलने में मेरी हिम्मत नहीं थी, क्या बोलें क्या नहीं, इतना डर लगता था कैसे बोलें क्या कहें, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि देखिए वीडियो बना रही हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के डरते डरते बोले। फिर वही वंदना दीदी का वीडियो, जो वंदना दीदी और अर्चना दीदी जो गाना गाती हैं उन लोगों का वीडियो हम बहुत अच्छे से देखते थे दुकान में बैठे थे। वही देखे कि मीडिया वाले भैया लोग बता रहे हैं कि जौनपुर की दो सगी बहने हैं वो लोग वायरल हो गई हैं, तो हमको बड़ा अच्छा लगा उन लोगों का वीडियो देखे। और एकदम ढंग से बना रही थी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से, तो हम सोचे कि हम भी जैसे दोस्तों गाना होना हमें भी आता है शादी विवाह का, तो हम सोचे कि अपना हम भी थोड़ा गाना वाना का डालते हैं, फिर दीदी उदी का भी सपोर्ट ले लेंगे शॉर्ट में। जैसे हमने दीदी का भी गाना अपने फेस पे लगा के गाए हुए हैं, हमको दीदी की आवाज़ अच्छी लगती है। तो फिर हमने हिम्मत जुटाई कि जब वंदना दीदी अर्चना दीदी यूट्यूब पे काम कर रही हैं, कितने अच्छे से ढंग से करती हैं, हम भी करेंगे यूट्यूब पे अच्छे से काम। उन्हीं लोग का देख के दोस्तों असली कहिए तो हम अर्चना दीदी और वंदना दीदी को देख के हिम्मत जुटाएं, और वही तब से हमने अपना काम करने लगे। फिलहाल पार्लर भी चलाते हैं लेकिन तो यूट्यूब में भी ज़्यादा टाइम देते हैं। ज़्यादा टाइम यूट्यूब में ही देते हैं, नहीं तो हम एक हाउसवाइफ और ब्यूटीशियन भी थे, लेकिन तो सोचे कि यूट्यूब में भी काम करे तो अच्छा रहेगा। तब से यूट्यूब में मेरे बच्चे भी बहुत सारे मदद करते थे मेरे, कैमरा पकड़ने में, कैमरा करने में, फोन दिखाने में और मुझे ये सब बताने बताने में। मेरे बड़े वाले बाबू भी मेरा बहुत मदद किया है, मम्मा ऐसे करिए ऐसे करिए, बताते हैं वो बताते हैं धीरे धीरे। पहले तो चैनल का कुछ जानकारी भी नहीं थी दोस्तों, धीरे 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 सब डालना उड़ना कैसे कैसे पड़ता है क्या करना होता है सब सीख लिए। नहीं तो फिलहाल फर्स्ट टाइम वो सोचे कि कैसे डालना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा वो बात है कि हिम्मत नहीं जुट रही थी मेरी कैमरा के सामने बोलने में कि ये तो वीडियो सब जगह जाएगी, सब लोग देखेंगे और क्या कहेंगे। फिर भी हिम्मत जुटाएं कि चलिए, तो जब बोलना ही है सभी लोग का देखें दीदी उदी का, तो वो लोग अपना अच्छे से बोल रही थी, ब्लॉग व्लॉग बना रही थी, तो हम भी सोचे चलिए अब हम भी बनाएंगे कोई बात नहीं, तो हम भी अपना बनाने लगे। बहुत खुशी हुई, लेकिन अभी भी कैमरा पे डर तो लगता ही है, खुल के हम नहीं कभी काम करते हैं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, कभी हम खुल के नहीं इसमें गाना नहीं डांस कभी नहीं, वो भी घर के चोरी चुपके बनाते ही हैं कि कहीं कोई क्या कहेगा कि इनको इतना वीडियो का वो पड़ा है। जब खाली टाइम रहता अदर करके कोई नहीं रहता है तभी हम वीडियो बनाते हैं, अगर कोई है तो उसके सामने तो हम वीडियो बना ही नहीं सकते चाहे पूरा दिन ही बीत जाए। लेकिन तो मन में रहता है कि काश आज वीडियो नहीं बनाए तो बना लें थोड़ा, लेकिन फिलहाल कुछ टाइम मिल जाती है तो इधर उधर करके बना लेते हैं वीडियो और अपना काम भी देते हैं। लेकिन तो दोस्तों क्या करें, अभी
मेरा भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। आने करके वो भाई और बहनों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से अगर चैनल पे आ गए हैं तो लगे रहिए, घबराइए मत, ज़रूर कुछ ना कुछ हम लोग हासिल करेंगे, आज न तो कल, कल न तो परसों, परसों न तो नरसों, घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए, बस भगवान कान्हा जी है साथ में तो सब कुछ अच्छा ही होगा। समय है, समय बहुत परीक्षा लेती है दोस्तों। अगर अपनी कीमत बढ़ाना है दोस्तों तो खुद को जलाना पड़ता है। जैसे देखिए मक्का है ना, वो कच्चे रहते हैं तो कैसा रहता है, कोई उतना नहीं, कोई जब जल जाता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। तो इसीलिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, चाहे कोई चीज़ हो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जो लोग वायरल हुए हैं, दीदी भैया बहनी, वो लोग ऐसे ही नहीं हुए हैं, बहुत संघर्ष किए, बहुत मेहनत किए हैं। कई कितने लोग तो बताते हैं कि हम लोग टाइम से खाना बने या ना बने, खाना खाएं या ना खाएं, कुछ किए या ना किए, लेकिन यूट्यूब पे काम करना नहीं छोड़ते हैं, यूट्यूब को नहीं छोड़ते हैं, चैनल पे वीडियो डालना नहीं छोड़ते हैं। वही काम आज हम लोग का है, अगर काम तो निपट जाए, टाइम से निपट जाए, लेकिन खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन यूट्यूब पे तो काम करना ही पड़ता है और करते भी हैं। दो चार पाँच मिनट, दस मिनट में हम लोग सब्सक्राइब चेक करते हैं दोस्तों कि देखिए कितना बड़ा, कितना हुआ। अगर एक तो दो तो सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं दोस्तों, बहुत खुश होते हैं, देखिए मेरे सब्सक्राइबर इतने बढ़ गए, क्या बात है, जय श्री कृष्णा, आज तो हम लोग के इतने सब्सक्राइबर हो गए, बहुत खुश होते हैं। फिलहाल पहली बार में तो सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे बढ़ जाते थे, जब से इसका मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं तो अच्छे से चलाइए, बीच में अगर छूट जाए तो फिर वो फिर से प्रयोग करना पड़ता है, उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर हम जो भाई बहन बना रहे हैं उनसे ये कहना चाहते हैं, अगर आप लोग बना रहे हैं तो मेहनत से बनाइए और कोशिश करिए कि मेरी तरह से बीच में छूटे ना, अगर वही बीच में छूट जाता है तो बहुत परेशानी होती है, उतना व्यू भी नहीं आता है, उतना अच्छा कुछ नहीं जाता है, ना सब्सक्राइबर आता है उतना, ना व्यू आता है कुछ नहीं, ना कमेंट ना शेयर कुछ नहीं। और अगर आप वही लग के शुरू से जो एक ही वीडियो डालिए तो वही वीडियो डालिए, लेकिन पूरा शुरू से उसको बीच बीच में छोड़िएगा ना दोस्तों, ज़रूर आप चलाते रहिए, ज़रूर चलाते रहिए और आपका सब्सक्राइबर भी ज़रूर जाएगा। बीच में जो लोग हम, मेरा भी तो छूट ही गया था दोस्तों, आप लोग से बता ही रहे हैं, जबकि इस समय गर्मी इतना ज़्यादा है, लेकिन तो क्या करें, हम लोग को बनाना ही पड़ता है, इसी हाल में बनाना है। यूट्यूबर की भी एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है, कितना हो भी कोई हो रहे, लेकिन संघर्ष करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, हर किसी चीज़ का जैसे वो होता है ना। मेरा भी यही मन करता था दोस्तों कि हम भी अब वीडियो बनाना छोड़ दिए, जो बनाए तो बनाए, अब छोड़ दिए हम नहीं, क्योंकि 2 लाख कुछ सब्सक्राइबर वो व्यूज हुए थे, सॉरी सब्सक्राइबर नहीं, और 1000 तक वो सब्सक्राइबर पहुंच गए, लेकिन हम हिम्मत हार चुके थे, हम कहें कि अब नहीं वीडियो बनाएंगे, जाने दीजिए, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर कहें कि नहीं अब आ गए थे यूट्यूब पे, जो लोग देख लिए हैं, जानते हैं, वो लोग तो यही कहेंगे कि आप वीडियो बनाती थी, तो फिर ये भी कहना पड़ेगा कि नहीं अब तो नहीं बनाते हैं, इसलिए जब आ गए यूट्यूब पे तो फिर से वही दोहरा के फिर काम करना शुरू कर दिए दोस्तों। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा दोस्तों, आप ही लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग, छोटे छोटे जो हम लोग यूट्यूबर हैं ना, अगर आपस में मिलकर चलते तो भी हम लोग कुछ हासिल कर लेते। भाई बहन अपने में अगर, फिलहाल हम तो जब मोबाइल उठाते हैं अगर किसी का देखते हैं चैनल, किसी की भी हो, लेकिन तो सब्सक्राइब जरूर कर देते हैं, एक दिन में तो 8-9-10 जरूर ही करते हैं सब्सक्राइब, हम कहते हैं अपना नहीं तो एक दूसरे किसी का भला तो होगा ना
कर ही देते हैं। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, जब आप लोग चला रहे हैं तो किसी का ना किसी का, आप अगर हम एक दूसरे का मदद करेंगे तो मेरा भी होगा। बड़ा ब्लॉग बनाने में बड़ा कठिन लगता था लेकिन तो आज भी बोल रहे हैं हम, डर डर के बोल रहे हैं क्या बोलें क्या नहीं बोलें, कहीं से कुछ गलत ना हो जाए क्योंकि ये वीडियो सबके पास जाती है। आज दोस्तों यही दुकान की साफ़ सफाई करना है, सोचते हैं कर लें। लाइट भी है, अभी लाइट कट जाएगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इतना गर्मी पड़ रही है दोस्तों, क्या बताएं, बहुत गर्मी पड़ रही है।